देश के एक माने जाने वाले डिजाइनर कुणाल, उसका एक मामला कुणाल मर्चेंट, एक मामला सुर्खियों में है। कुणाल मर्चेंट का यह कहना है कि उनको प्रधानमंत्री कार्यालय से एक मेल आया जिसमें उनसे एक टेबल बनाने के लिए कहा, और उसके बाद उन्होंने जो जवाब दिया उसको लेकर सोशल मीडिया पर आज डिस्कशन हो रहा है, लोग बात कर रहे हैं। लेकिन इस मामले में दिल्ली पुलिस कमिश्नर ने एक ट्वीट किया है और उन्होंने ये कहा है कि एक शिकायत मिली है प्रधानमंत्री कार्यालय से और कुणाल की तरफ से कि उन्हें एक फर्जी मेल किया गया अपने आप को प्रधानमंत्री कार्यालय में एक अधिकारी बताते हुए, उनसे एक टेबल डिजाइन करने को कहा गया जिसमें FIR दर्ज कर ली गई है। क्या है पूरा मामला, आइए मैं आपको बताता हूं कि देश के टॉप मोस्ट डिजाइनर कुणाल मर्चेंट ने प्रधानमंत्री मोदी के लिए टेबल डिजाइन करने से मना कर दिया है। अपने आप को PMO का अधिकारी बताने वाले एक शख्स ने कुणाल को मेल के जरिए अप्रोच किया था कि PM की इच्छा है कि आप उनके लिए एक टेबल डिजाइन करें। कुणाल ने अपने मेल में इसका जवाब कुछ इस तरह से लिखा, उन्होंने लिखा कि वो एक गांधीवादी हैं और अहिंसा में विश्वास रखते हैं। उन्होंने कहा कि वो एक ऐसी टेबल बिल्कुल नहीं बनाएंगे जिसके ऊपर अल्पसंख्यकों के खिलाफ और उन्हें अलग थलग करने वाले फैसलों पर दस्तखत किए जाएं। उन्होंने आगे लिखा कि उन स्टाफ में दलित, महिला, अल्पसंख्यक सभी शामिल हैं और एक विभाजनकारी कार्यालय के लिए कुछ भी करने का मतलब अपने लोगों के साथ एहसान फरामोशी करना है। वो नहीं चाहते कि कल इतिहास उन्हें फासीबाद के समर्थक के रूप में जाने। ये भी लिखा कि मोदी सरकार नफरत का माहौल बना रही है। देखा आपने किस तरह का जवाब दिया गया कुणाल के जरिए। और उसके बाद ये बात सामने आई इस मेल के बाद, जब ये सोशल मीडिया पर चर्चा इस मेल को लेकर के होने लगी, अचानक एक ट्वीट आता है दिल्ली पुलिस कमिश्नर का और वो ये कहते हैं कि वो फर्जी मेल था, फर्जी अधिकारी के जरिए किया गया था। जब इस पर काफ़ी किरकिरी होने लगी प्रधानमंत्री की कि इस तरह का मेल उनके ऑफिस के जरिए कोई नहीं किया गया है और उस पर जांच की जा रही है, FIR दर्ज कर ली गई है और आगे की तफ्तीश की जा रही है, उसको बाकायदा दिल्ली पुलिस कमिश्नर ने, अस्थाना जी ने उसको ट्वीट किया है। दिल्ली के प्रधानमंत्री कार्यालय का अधिकारी बनकर ठगी करने की कोशिश कर रहे एक व्यक्ति के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। दिल्ली पुलिस साइबर सेल ने एक डिजाइनर और फर्नीचर निर्माता की शिकायत के आधार पर FIR दर्ज की है। डिजाइनर ने सोशल मीडिया पर आरोप लगाया है कि एक शख्स ने उन्हें PM का निजी सचिव बताते हुए मेल किया, उसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऑफिस के लिए खास टेबल डिजाइन करने की बात कही थी। दिल्ली पुलिस कमिश्नर राकेश आस्थाना ने इस बारे में एक ट्वीट के माध्यम से जानकारी दी। पोस्ट में उन्होंने डिजाइनर और नकली अधिकारी के बीच एक्सचेंज हुए ईमेल का स्क्रीनशॉट भी साझा किया। उन्होंने बताया ये मामला उस वक्त सामने आया जब कुणाल मर्चेंट नाम के एक डिजाइनर ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम पर दावा किया कि उन्हें विवेक कुमार नाम के शख्स ने ईमेल भेजा है जिसमें उसने खुद को PM मोदी का प्राइवेट सेक्रेटरी बताया। ईमेल में उन्होंने PM के लिए खास टेबल डिजाइन करने की बात कही है। अंग्रेजी अखबार इंडियन एक्सप्रेस ने दिल्ली पुलिस के एक सीनियर पुलिस ऑफिसर के हवाले से अपनी रिपोर्ट में बताया कि शख्स ने डिजाइनर को जल्द ही संपर्क करने के लिए कहा था। पुलिस अफसर ने बताया कि हम तथ्यों की जांच कर रहे हैं और ये पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि ईमेल कहां से भेजा गया है। खबर बनाए जाने तक इस मामले में कोई अन्य अपडेट नहीं आया था। शुक्रिया, आपको हमारी कोशिश कैसे लगी जरूर बताएं। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, इसके साथ ही बेल आइकन दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें, उसके साथ ही फॉलो भी करें।